ट्रिपल ए टाइटल के कुछ ऐसे हम लोग गेम्स लेके आ गए हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए, जो कि अगर हम लोग को चाहिए तो विंडेटर में चला लेंगे, चाहिए तो हम लोग मोबोक सिमुलेटर में चला लेंगे। बाकी गाइस, ट्रिपल ए टाइटल के गेम्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि इन सब गेम्स का जो डेवलपमेंट है ऐसे ऐसे स्टूडियोज में होता है ना, जो कि बहुत बड़े बड़े गेम्स हम लोग के हाई ग्राफिक्स के गेम्स बनाते हैं और जो वैल्यू कंटेंट है ना वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। बढ़िया बढ़िया इनका गेम प्ले होता है, एडवांस लेवल का यहाँ पे हम लोग को ग्राफिक प्रोवाइड किया जाता है। बाकी कंपनी यहाँ पे बेथेसडा गेम स्टूडियो ले लो, रॉकस्टार गेम्स ले लो, नॉटी डॉग ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ले लो, यूबीसॉफ्ट, ये सब होते हैं बड़े बड़े स्टूडियोज भाई। ऐसे ऐसे स्टूडियोज ने इन सब गेम को बनाया। आगे सबसे पहला गेम हम लोग को डूम एटर्नल, और ये जो गेम है ना भाई बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर और हाई ही इस वाले गेम को हैंडल कर सकता है। इसके बाद आ गया हम लोग का गेम टेकन 7, और ये जो गेम है ना गाइस ये ऐसे बोल सकते हैं हर डिवाइस में हम लोग का प्लेबल है, लेकिन भाई 8GB रैम एटलीस्ट होना चाहिए। 8GB रैम के अगर नीचे है डिवाइस में तुम लोग के तो फिर ये वाला गेम हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, गेम हम लोग का गेम सही से चलेगा नहीं, स्मूथ नहीं चलेगा। स्मूथ गेमिंग के लिए 8GB रैम एटलीस्ट इस वाले गेम के लिए चाहिए चाहिए। इसके बाद आ गया हम लोग का स्काई रिम, और चाहिए तो ये प्ले कर सकते हैं हम लोग विनलेटर में हो गया, मोबॉक्स में हो गया। बेटर परफॉर्मेंस के लिए गाइज अगर मैं बताऊं तो ये सुयू या तो यूजू में प्ले कर लेना, क्योंकि वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू विनलेटर और मोबॉक्स में हम लोग को लाइट ग्राफिक्स मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ पे रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को स्नैपड्रैगन 800 सीरीज पड़ेगा, तो वहाँ पे बेटर रहेगा हम लोग को। इसके बाद आ गया गाइस हम लोग का एविल विदिन, और एविल विदिन 1 भी यहाँ पे कंपैटिबल है। विनलेटर हो गया विनलेटर में ले लो, मोबॉक्स हो गया मोबॉक्स में ले लो। एविल विदिन 2 ज़्यादा कंपैटिबल मिल जाएगा एज कम्पेयर टू एविल विदिन 1। एविल विदिन 1 हम लोग ने 2-3 घंटे का हम लोग ने गेम प्ले किया था मोबॉक्स सिमुलेटर में, काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हम लोग को मिला, बढ़िया मिला गेम हम लोग को, 100% प्लेबल। इसके बाद आ गया गाइस हम लोग का, हाँ डिवाइस गाइस देख लेना डिवाइस रिक्वायरमेंट फिर भी होना चाहिए, Assassin's Creed Rogue। और वैसे Assassin's Creed से हम लोग को कई सारे सीरीज मिल जाएंगे प्लेबल विनलेटर में मोबॉक्स में, बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस के साथ मिल जाएगा। हाँ फिर भी डिवाइस रिक्वायरमेंट इन सब के लिए भी होना चाहिए, यहाँ पे भी वही बात बोलूँगा, चाहिए तो सुई या तो यूज़ एंड्रॉइड एमुलेटर में ट्राई कर लेना फॉर लो एंड डिवाइस। इसके बाद आ गया गाइस मास इफेक्ट 2, और ये भी ऐसा गेम है जो कि स्टार्ट लॉन्च होते ही ये वाले गेम ने बम फोड़ा था मार्केट में, तो इस वाले गेम को भी ट्राई कर लेना अगर चाहिए तो। स्नैपड्रैगन 695 है ओनली, लेकिन गेम का जो हम लोग ग्राफिक है ना भाई, ग्राफिक्स देखेंगे गेम का हम लोग को बढ़िया सा मिल जाएगा, चाहिए तो हाई ग्राफिक्स के रिजोल्यूशन में भी खेल सकते हो इवन ऑन लो एंड डिवाइस है फिर भी। इसके बाद आ गया हम लोग का नेक्स्ट गेम बोल लो भाई, बैटमैन अर्कम सिटी। भाई बैटमैन के कई सारे सीरीज हम लोग अगर पीसी के चलाना चाहते हो विनलेटर में प्लेबल है, बैटमैन असीलम ले लेना वो भी चल जाएगा हम लोग को, बैटमैन लॉकडाउन भी ले लेना भाई वो भी हम लोग को चल जाएगा, ब्लैक गेट ले लोगे भाई ब्लैक गेट भी हम लोग का बैटमैन का बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेबल रहेगा, विनलेटर हो गया विनलेटर मोबॉक्स हो गया मोबॉक्स में। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है ये आ गया हम लोग बोल सकते हैं इस वाले गेम को डार्क सोल फ्रॉम प्ले स्टेशन 3, चाहिए तो ये भी हम लोग प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पे इस वाले गेम को खेलने के लिए अदर एमुलेटर्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे, सुई भी अवेलेबल है यूजू भी अवेलेबल है, वहाँ पे हम लोग को लो एंड डिवाइस सपोर्ट रहता है, यहाँ पे उतना हम लोग को लो एंड डिवाइस सपोर्ट नहीं है, चाहिए तो अगर हाई ग्राफिक्स तो यहाँ पे हम लोग मोबॉक्स हो गया मोबॉक्स में विनलेटर हो गया विनलेटर में। डियोस एक्स ह्यूमन रिवॉल्यूशन, और चाहिए तो ये वाला भी गेम हम लोग खेल सकते हैं, स्नैपड्रैगन 695 हो गया इसमें सपोर्टेड है, गेम का परफॉर्मेंस हम लोग को बेटर मिल जाएगा ऑन विनलेटर में, और जो गेम है हम लोग को ट्रिपल ए टाइटल का वन ऑफ द बेस्ट गेम्स बोल सकते हो इस वाले गेम। गेम के अंदर हम लोग को काफी सारे एक्शन किलिंग स्टाइल्स मिल जाते हैं जिससे कि हम लोग अपने एनिमी को मार सकते हैं। इसके बाद आ गया हम लोग का गाइस सबका फेवरेट लारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर 2013। बाकी स्नैपड्रैगन 720 ले लो, 695 ले लो, 680 ले लो, सभी डिवाइस में हम लोग का ये वाला गेम सपोर्टेड हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रिपल ए टाइटल के गेम्स में से हम लोग को ये निकल के आता है लारा क्रॉफ्ट 2013 एडिशन। इसको ट्राई नहीं किया तो भाई ट्राई कर लेना, और ऐसे ही गेम्स के लिए गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया तो। इसके बाद आ गया गाइस हम लोग का नेक्स्ट गेम मेटल गियर सॉलिड 5 वर्जन, और ये जो गेम है ना गाइस ये गेम स्पेशली अगर स्नैपड्रैगन 870 हो गया, अगर इससे हाई एंड डिवाइस है तुम लोग का स्नैपड्रैगन तो ही ये वाला गेम हम लोग प्ले कर पाएंगे। बाकी गाइस इस वाले गेम में भी हम लोग को मिल जाएगा 30 से लेकर 40 FPS स्नैपड्रैगन 870 में, बढ़िया है यार प्लेबल है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम आ गया ये आ गया डिसऑनर्ड, बाकी इस वाले गेम के लिए भी हम लोग को खेलने के लिए स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर लगेगा। वैसे ना ये जो गेम है गाइस हम लोग का लो एंड डिवाइस में भी चल जाएगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर में हम लोग का बेटर परफॉर्मेंस के साथ अच्छा प्लेबल FPS के साथ हम लोग को मिल जाएगा 30 से लेकर 50 FPS के बीच में। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम आ गया ये आ गया हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट 4 डेड 2, और हाँ क्लासिक गेम का सीरीज है ये, क्योंकि गाइस ट्रिपल ए टाइटल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम है ये, तो भाई इसको तो ऐड करना ही है। स्नैपड्रैगन 695 ले लो,
कोई सा भी प्रोसेसर ले लो, बस स्नैपड्रैगन में हम लोग का ये वाला गेम चल जाएगा। हाँ, ओल्ड वाले मत ले लेना यार 480 वो सब, क्योंकि वो सारे के सारे एम्यूलेटर सपोर्ट ही नहीं करते यार। मेट्रो लास्ट लाइट चाहिए तो ये वाला गेम में हम लोग बेटर परफॉर्मेंस के साथ हम लोग मोबॉक्स में चला लेंगे। ट्रिपल ए टाइटल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम आ गया, 2033 स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। बोल सकते हो न्यूक्लियर एक बमबारी हुआ है जहाँ पे हम लोग का जो आउटर लेयर है अर्थ का सारा कुछ खराब हो गया, वहाँ पे हम लोग का जो ऑक्सीजन है रहने लायक बचा नहीं है, तो इसलिए हमने अंडरग्राउंड में रहने का जगह ढूंढ लिया है। और बदले में यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन के रेडिएशन से काफ़ी सारे ऐसे बोल सकते हो म्यूटेंट्स पैदा हो जाते हैं, जिससे कि हम लोग को सर्वाइव करना होता है। एलन वेक आ गया गाइस, नेक्स्ट गेम एक्शन एडवेंचर गेम है, थ्रिलर टाइप का हम लोग को ये वाला गेम मिल जाएगा। इस वाले गेम को भी हम लोग प्ले कर सकते हैं, मिलिटर हो गया, मिलिटर मिल गया बेटर परफॉर्मेंस के साथ, बेटर डिवाइस के साथ। इसके बाद आ गया GTA 5। वैसे इस वाले गेम को 680 में भी रन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर प्लेबल नहीं है। अगर प्लेबल चाहिए तो स्नैपड्रैगन 695 और हायर ले लो, 778 ले लो भाई, 778 विद मिनिमम ऑफ 8GB रैम ले लेना। 6GB रैम में भी है लेकिन 6GB रैम में हम लोग का क्रैश देखने मिल जाएगा। इसके बाद आ गया गाइस वन ऑफ द बेस्ट, जिसने ट्रिपल ए टाइटल के गेम के काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये बोल सकते हैं वर्चुअल कॉप 2। अपने टाइम में ये वाला गेम आया था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। स्नैपड्रैगन 680 ले लो, 695 ले लो, सब प्रोसेसर में हम लोग का ये वाला गेम सपोर्टेड रहेगा। हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर कोई फेवरेट तुम्हारा भी कोई गेम है जो सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट कर देना। बाय बाय, टाटा सी यू। Thank you.